नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका देसी हेल्थ उपाय चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडर स्किन डार्क स्पॉट की। जी हाँ, ऐसी कई जगह होती है जहाँ पे हमारे प्राइवेट पार्ट वगैरह जैसे काले होते हैं, उनके साइड में कालापन आता है। तो इसके लिए आपको बेकिंग सोडा ले लेना है और बेकिंग सोडे में आपको नींबू के साथ यूज करना है। बेकिंग सोडे को आप नींबू के साथ यूज कर सकते हैं। आपको एक नींबू लेना है, काट लेना है और उस पर इस तरीके से बेकिंग सोडा डाल देना है। अब इसको जहाँ पर भी डार्क आपको जैसे मैल वगैरह दिखाई देता है, ऐसे जगह पर अप्लाई करना है। जैसे कोहनी हो गए या जांघों के बीच का भाग हो गया, उंगलियों के बीच का भाग हो गया, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको कम से कम अप्लाई करने के 4-5 मिनट तक रहने दीजिए और जितना हो सके नींबू और बेकिंग सोडे से कालेपन को रगड़िए। मतलब जहाँ मैल है, कोहनियों के ऊपर नीचे वगैरह, ऐसे जगह पे आप ऐसे मल लीजिए। इससे बहुत जल्दी मैल निकल जाता है। यह बहुत ही अच्छा कारगर तरीका है। इसके बाद दूसरा उपाय है, आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हो, आप थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लीजिए जितनी जगह में आपको लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इस टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा मिक्स कर दीजिए। 1-2 चुटकी आप बेकिंग सोडा मिक्स कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा नींबू का रस मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए। यह बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, और इसे इस तरीके से मिला लीजिए। अब यह अच्छे से मिल जाने के बाद में आपको फिर से जहाँ पर भी आपके शरीर में मैल है, जैसे गुप्तांग हो गया, कोहनी का भाग हो गया, उंगलियों के बीच की जो लाइनें होती है वहाँ पर कालापन होता है, मैल होता है, ऐसे जगह पर आपको लगा देना है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद कुछ देर इसे रगड़िए और रगड़ कर छोड़ दीजिए। कम से कम 5-7 मिनट इसी तरह छोड़ दीजिए, उसके बाद हाथ धुल लीजिए। आप फ़र्क खुद देख सकते हैं, क्योंकि मेरे कोहनी पर ज़्यादा मैल वगैरह नहीं था तो भी आप देख सकते हैं, हल्का सा था वो अभी निकल चुका है, आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से अपने अंडर पार्ट वगैरह की सफाई कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर उपाय है और बिना खर्चे का उपाय है। उम्मीद है आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई होंगी। यदि मेरी जानकारी या मेरे टिप्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।